हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिसिंदर मोहरे। 5 में 21 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का आज बढ़ावा दिन है। यहाँ पर हम लोग 5 में स्ट्रेटजी का फॉरवर्ड टेस्ट करें, वो भी प्रीमियम के चार्ट पर। और इसके लिए जो हम लोग यहाँ पर सेटअप यूज करें वो 5 MA प्लस RSI स्ट्रेटजी का हम लोग यहाँ पर सेटअप यूज करें। और ये सेटअप मैंने आप सभी को यूट्यूब चैनल पर सिखाया हुआ है। इसके पहले हम लोग जितने भी ट्रेड लेते थे वो 5 MA प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग लेते थे, वो भी मेन चार्ट पर देखकर। मेन चार्ट पर हम लोग को ट्रेड लेते थे, बट उसमें हम लोग को SL को प्लेस करने का कोई भी हमें चांसेस नहीं मिलता था, जिससे मार्केट अभी कभी भी अगर स्पाइक लगा देता था हमारे अगेंस्ट में तो हमें बड़े लॉसेस हो जाते थे। इसी का सोल्यूशन के लिए मैं यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर 5 MA स्ट्रेटजी को प्रीमियम के चार्ट पर किस तरीके से यूज करेंगे, इसका यहाँ पर मैं फॉरवर्ड टेस्ट का डेटा डेली आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। और इसके लिए मैंने आप सभी के साथ रूल्स भी है कि हमें किस रूल्स को फॉलो करके यहाँ पर प्रीमियम के चार्ट पर ट्रेड लेना है। और वो रूल्स मैंने आप सभी को 21 डेज ट्रेडिंग चैलेंज शुरू होने के पहले ही मैंने वो रूल्स आप सभी के साथ शेयर कर दिया हुआ है। और इसी रूल्स को हम फॉलो करके यहाँ पर आज 12 दिन हो गए, मतलब आज ये 12वां दिन है, 12वें दिन हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो 21 डेज का जब ये पूरा फॉरवर्ड टेस्ट डेटा ये कंप्लीट हो जाता है, तो अगर इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो आप सभी इसको अपने ट्रेडिंग में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर प्रॉफिटेबल रहता है तो। वैसे तो मुझे यहाँ पर मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि हाँ इसका रिजल्ट जो होगा वो प्रॉफिटेबल होगा, लॉसेज में तो हम नहीं रहेंगे। बट आगे के मार्केट कैसे रहेगा ये हमें नहीं पता है। सो 21 डेज ट्रेडिंग चैलेंज कंप्लीट हो जाए तो मैं यहाँ पर बताता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि ये 12 दिन हो चुके हैं, 12 दिन का मैं डेटा आप सभी के साथ शेयर करूँ, नीचे कमेंट करके बताना, मैं 12 दिन का डेटा आप सभी के साथ शेयर कर दूँगा। मैंने उसका पूरा वो एक्सेस रेट तैयार कर लिया, अगर आप बोलोगे तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, नहीं तो मैं 21 डेज कंप्लीट होने के बाद ही उसको शेयर करूंगा। खैर, अभी हम यहाँ पे देखते हैं 5 MA प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड। जो 5 MA प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड हम लोग को मिला हुआ था वो यहाँ पर 935 की कैंडल पर बना हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखोगे 935 की कैंडल पर RSI इंडिकेटर भी यहाँ पर ओवरबॉट जोन में, 5 MA की लेट कैंडल का फॉर्मेशन भी यहाँ पर हुआ है। और जैसे ही सेलेट कैंडल का नीचे की तरफ हाई ब्रेक होना था वैसे हम लोग को ट्रेड लेना था SL इसके जस्ट ऊपर, टारगेट 1:4 का टारगेट हम लोग को यहाँ पर इस लेवल के पास होता है। बट मैंने आप सभी को जो ट्रेलिंग SL का कॉन्सेप्ट जितना जो सिखाया हुआ है, अगर यहाँ पे देखोगे मार्केट सीधा यहाँ पे 1 वे मूव यहाँ पे करता हुआ आ रहा था, एक भी बार इन स्विंग्स का यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो सो हम इसको यहाँ पर मैक्सिमाइज हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से यहाँ पर हम कर सकते थे। सो यहाँ पर जो हमारा टारगेट 1:4 का जो ये टारगेट था, इसको हम यहाँ पे 1:4 से 1:5 1:6 तक भी हमें इसको बहुत ही आसानी से यहाँ पर हम ले जा सकते थे। हाँ, इनिशियल लेवल पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफिकल्टी हो सकता है मैक्सिमाइज करने में, बट हमें इसको ट्रेलिंग SL का यूज़ तो हमें 100% करना ही होगा, राइट। थोड़ा अगर आप कुछ दिन इसको ट्रेलिंग SL पर ही फोकस करोगे तो 1:4 1:6 तक का टारगेट आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। सो आज के दिन के ट्रेड में हम लोग को यहाँ पे 1:6 तक का प्रॉफिट्स हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से यहाँ पर हम लोग कैप्चर कर सकते थे। और अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पर इसको हमें प्रीमियम के चार्ट पे किस तरीके से लेना था, अगर यहाँ पर हम देखें कि ये जो हमारी अलर्ट कैंडल बना हुआ है, इस अलर्ट कैंडल का यहाँ पे विक जो है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे पे जो हमारा जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बनता है वो कौन सा बनता है, 46,500। तो हमें यहाँ पे 46,500 का मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लगा लिया। और ये रहा अपना अलर्ट कैंडल, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है वैसे मैंने हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना था। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक भी बार यहाँ पर हम लोग को स्टॉप लॉस को लगाने का चांस ही नहीं मिला, ना तो हमारा ट्रेलिंग SL हुआ, सीधा 1 वे मूव था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आज के दिन इसमें बहुत ही आसानी से यहाँ पे 1:5 1:6 तक का प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे। और अभी हम बात करते हैं कि आज के दिन मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था। आज के दिन जो मैंने अपना ट्रेड लिया हुआ था, मैं इसको पूरा जूम इन कर देता हूँ, राइट। आज के दिन जो मैंने अपना ट्रेड लिया हुआ था वो यहाँ पर कल के दिन जो मैंने एनालाइज़ किया हुआ था, देखो इससे कन्फ्यूज़ मत होना यहाँ पर जो ये सेटअप बना हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 5 MA स्ट्रेटजी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी हम कोई भी डेटा नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ से इसको कंक्लूड मत करना, इसको लेकर कंफ्यूज मत क्रिएट करना। कल के दिन मैंने आप सभी को एनालाइज़ किया हुआ था, उसमें बताया हुआ था कि अगर डोजी कैंडल का जो हाई है, अगर उसका हाई ब्रेक होता है, मतलब कल के दिन का हाई ये था, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हमें बाइंग साइड की डायरेक्शन में बहुत अच्छा ट्रेड्स देखने को मिल जाएगा। बट उस ऐसा कुछ हमें यहाँ पर सेटअप देखने को नहीं मिला। फिर मैं यहाँ पर वेट कर रहा था, यहाँ पर जब ये इतना अच्छा यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर जब इस लेवल के पास से ये जो ट्रेड था, यहाँ पर मैंने पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाया हुआ था, यहाँ पर अपर साइड पे, यहाँ पे जब इस लेवल से यहाँ पे हमें सार्व सीलिंग देखने को मिला, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे रिग्रेट ज़रूर होता कि अगर यहाँ पे हम लोग पोजीशन बनाए होते तो यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट्स हमें मिल जाता। अप्रॉक्स यहाँ पे 700 पॉइंट्स मार्केट ने यहाँ पे सीधा 1 वे मूव यहाँ पे डाउन वर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे
मूव किया हुआ था, और ये जो मूव था इसमें एक भी बार हमें इस तरीके का कोई भी प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिला होता, तो बहुत ही अच्छा ट्रेड था। बट हमारा जो एनालाइज था उसके अकॉर्डिंग नहीं था, सो मैंने यहाँ पर इस लेवल के पास अपनी पोजीशन को यहाँ पे नहीं बनाया हुआ था। बट जब इस तरीके का यहाँ पे शार्प मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल का यहाँ पे मैं प्लान कर रहा था, और रिवर्सल के लिए मैंने यहाँ पर 5MA RSI स्ट्रेटजी का सेटअप चुना। यहाँ पर 5MA RSI स्ट्रेटजी का सेटअप का फॉर्मेशन हुआ था, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ वैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, 700 पॉइंट्स मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सीधा वन वे मूव में गिर चुका है, एक भी बार करेक्शन नहीं हुआ, और आज एक्सपायरी डे भी था, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता था। सो मैं यहाँ पर इसी के लिए यहाँ पर आया हुआ था। हाँ, हो सकता है यहाँ पर इसके भी चांसेस बहुत हाई थे कि यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पर ये नीचे की तरफ यहाँ पर मूव कर जाता। सो मैं यहाँ पर स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैंने यहाँ पर यूज भी किया हुआ था, राइट। मतलब मैं यहाँ पर स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही मैं यहाँ पर मार्केट में एंटर हुआ था, क्योंकि यहाँ से मार्केट के रिवर्स करने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे इस ट्रेड मैंने यहाँ पर 1:4 से भी ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर कैप्चर किया। यहाँ पर ट्रेलिंग असल एक बार भी हम लोग को यहाँ पर ट्रेलिंग असल हिट नहीं हुआ, यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गया, नीचे की तरफ आया, पहला स्विंग हमारा ये बन जाता है। इसी के पास मैंने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल किया हुआ था, बट उसके बाद मार्केट सीधा यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव करके यहाँ पर जो मेरा 1:4 का टारगेट था वो टारगेट मुझे यहाँ पर अचीव होगा। उसके बाद मार्केट कहीं पर भी जाए हमें उससे मतलब नहीं, मेरा यहाँ पर जो टारगेट था 1:4 का टारगेट वो मुझे मिल गया, और इस ट्रेड में जो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट्स अर्न किया वो मैंने यहाँ पर 16,000 का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट्स अर्न किया, राइट। तो ये तो था आज के दिन के ट्रेड की रिपोर्ट। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि कल के दिन हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 में किस लेवल के पास अपनी पोजीशन को हम लोग बना सकते हैं। निफ्टी में मार्केट अभी जिस लेवल के पास है, अगर मार्केट क्या होता है, मार्केट इसके बीच में यहाँ पर कहीं पर भी ओपन होता है, ये जो दोनों मैंने स्विंग्स को मार्के हो इसके बीच में यहाँ पर भी कहीं पर ओपन होता है तो ऊपर की तरफ जाता है, तो हम यहाँ पे पुल बैक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में हम यहाँ पे ट्रेड को हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ से क्या होगा, हम बाइंग गैप फिल का हम यहाँ पे वेट करेंगे, और गैप फिल के पास से हम यहाँ पे वापस से बाइंग साइड के डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे ट्रेड को हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है तो यहाँ पर हमें सेलिंग का ही हमें यहाँ पे मार्केट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये तो थी आज के दिन की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।